बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ पाकिस्तान नेशनल काउंसिल की जॉब्स के बारे में। पाकिस्तान नेशनल काउंसिल की जानिब से जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जिन लोगों की उम्र 25 साल से लेकर 28 साल के दरमियान में है, वो इन जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी तफसीलात क्या हैं इस वीडियो के अंदर मैं आपको तफसील के साथ बताने वाला हूँ। चलते हैं वीडियो की तफसील की जानिब। सबसे पहले दोस्तों, आपने गूगल को ओपन करना है। यहाँ पर आपने लिखना है pakistaninews.com। pakistaninews.com लिखने के बाद आपने सर्च करना है। सबसे पहले नंबर पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है pakistaninews.com। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ऊपर आपको कैटेगरी नज़र आ रही है, पाकिस्तान इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी बिजनेस नौकरियाँ। तो नौकरियों वाली कैटेगरी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, तमाम की तमाम सरकारी नौकरियाँ आपके सामने ओपन है, जो आपको डिग्री के मुताबिक आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल की तरफ से नौकरियों का ऐलान। आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने तमाम तर तफसीलात ओपन हो जाएगी इन नौकरियों की। यहाँ पर आप देख सकते हैं उर्दू के अंदर तमाम तर इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर दी गई है। एडवर्टाइजमेंट का इश्तहार यहाँ पर आपको दे दिया गया है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये जूम होकर आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले नंबर पे मार्केटिंग की जॉब अवेलेबल है। सुल में स्किल की जॉब है। एक असामी काली है, 28 साल आपकी एज होनी चाहिए। आपके पास तालीम बैचलर होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद दूसरे नंबर पे जॉब अवेलेबल है, उसका नाम है केयर टेकर। सोलहवें ग्रेड की जॉब है। एक असामी खाली है, आपके 28 साल एज होनी चाहिए। अगर आपने एफ ए पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद एल डी सी की जॉब अवेलेबल है। नोवी स्किल की जॉब है। दो असामियाँ खाली है, 25 साल आपकी एज होनी चाहिए और इसमें मैट्रिक तालीम आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपने मैट्रिक पास किया हुआ है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों, ड्राइवर की जॉब अवेलेबल है। पांचवी स्किल की जॉब है। दो असामियाँ खाली है, 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। प्राइमरी अगर आपने पास किया हुआ है और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस लाजमी है। इसके बाद दोस्तों, यहाँ पर डिस्पैच राइडर की जॉब अवेलेबल है। चौथे स्किल की जॉब है। एक असामी खाली है, 25 साल आपकी एज होनी चाहिए। प्राइमरी अगर आपने पास किया हुआ है तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हैं। अब दोस्तों, फाइनली बात आ जाती है आपने अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने का सिंपल तरीका कार है, आप अपनी सीवी तैयार करेंगे। सीवी तैयार करने के बाद ये एड्रेस आपको दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इस इश्तहार के ऊपर एड्रेस जो दिया हुआ है, इस एड्रेस के ऊपर आपने अपनी सीवी को 15 दिन के अंदर अंदर भेज देना है, ठीक है। अगर आपकी सीवी लेट हो जाती है तो फिर आपकी दरख्वास्त को ज़ीरो गौर नहीं लाया जाएगा। आपने जल्द अज जल्द अप्लाई कर लेना है, ठीक है दोस्तों। तमाम तरह इन्फॉर्मेशन से मैंने आपको आगाह कर दिया है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।